एनर्जी आ जाएगा। एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ड्यूटी के लिए रेडी हो चुकी हूँ, बस जाना ही है मुझे। आज शनिवार है, वीकली मीटिंग भी है मेरा सेक्टर में, और मैं सेक्टर लेवल में पीएससी लेवल में ही काम करती हूँ। मेरा फील्ड है जिसमें मेरे अंडर में 39 गांव भी हैं, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ, फील्ड का काम करती हूँ। सीएससी भी है, अपने आप पास में ही सीएससी है, मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ पे इमरजेंसी ड्यूटी करती हूँ, डेली ड्यूटी नहीं करती हूँ, फील्ड में ड्यूटी करती हूँ। तो जाने से पहले एक छोटा सा शिकायत था, इतू सा शिकायत था, मैं सोची आप लोगों से शेयर कर लूँ, या आप लोगों से ही शिकायत है मेरी। तो मेरी शिकायत ये है कि मैं काफ़ी समय से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए, महीनों साल हो रहे हैं, लेकिन चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरा अभी इतू सा यूट्यूब परिवार है, मुझे इतना सारा परिवार चाहिए, बड़ा सा परिवार चाहिए। उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मैं घर पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, अभी बीच में बना रही थी क्योंकि अभी नवरात्रि भी चल रहा था, तो थोड़ा छुट्टी भी था बीच बीच में, और नवरात्रि प्लस हमारे यहाँ इलेक्शन भी था, तो कल तो हो चुका वोटिंग वगैरह, तो अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर घर पे वीडियो नहीं बना पाऊँगी। बहुत सारा काम भी हो जाता है घर पे, क्योंकि मैं मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, मतलब ज़्यादा लोग क्या, सोच लीजिए एक दो लोग रहते हैं, बाकी लोग सब बाहर रहते हैं, तो मुझे सारा काम करना पड़ता है, इसलिए घर पे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं डेली ब्लॉग तो डालूँगी, फील्ड का डालूँगी, पर घर पे वीडियो नहीं बनाऊँगी। हाँ, यदि समय मिलेगा, मुझे टाइम मिलेगा, तो घर पे भी वीडियो बना करके अपलोड करूँगी। और निकलने वाली हूँ, खाना नहीं खाई हूँ, काफ़ी धूप भी हो चुका है, निकलना भी है। मेरे यहाँ आज नए एक डॉक्टर भी आए हुए हैं साइड तक, तो उनका आज इंटरव्यू वगैरह भी होना है, तो जल्दी निकलना भी है, वहाँ की तैयारी भी करना है पीएससी की, तो जल्दी निकलेंगे तभी तैयारी कर पाएंगे। काफ़ी दूर भी है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, तो निकलेंगे भी, धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए खाना वाना खा करके निकलती हूँ, फिर वहाँ मिलती हूँ आप लोगों से। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं सीएससी। ये देख सकते हैं मेरे फील्ड के कर्मचारी हैं ये सभी लोग, तो हमारी मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और अभी सर आए नहीं हैं, थोड़ी देर से आएंगे क्योंकि कहीं गए हुए हैं सर, अभी आने में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर बाजू में मेरे भैया भी हैं, ये वैक्सीन प्रभारी भैया हैं, और बाकी जो कर्मचारी हैं वो अपने ही कर्मचारी हैं, फील्ड में काम करते हैं। तो जो एजेंडा होता है, जो नए प्रोग्राम चलते हैं, जो ट्रेंडिंग में जो भी प्रोग्राम चलते हैं, उनके बारे में चर्चाएं होती हैं, और वीकली रिपोर्ट भी देना पड़ता है, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी रिपोर्ट देना पड़ता है, इसलिए हम लोगों की वीकली मीटिंग होती ही होती है। तो सभी से अभी मैं जानकारी ले रही हूँ, इसके बाद सर भी आ जाएंगे। मेरे सेक्टर के सभी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, इवन आशा तक बहुत अच्छी हैं, सभी लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, कोई बहाना नहीं करते हैं, जो काम बोल दो आप सब कर लेते हैं, इसलिए मैं भी बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ ट्रीट करती हूँ, किसी को नहीं डांटती हूँ, अच्छे से रहती हूँ। जो नए सर आए हैं बस 2 मिनट बैठे हैं और चले गए हैं, बोले मैं कुछ खाने पीने का भिजवाता हूँ, ऐसे करके बोल करके चले गए हैं। तो हम लोगों की मीटिंग जारी है अभी, और थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे, इसके बाद निकलना भी है, काफ़ी टाइम हो गया है। हमारी मीटिंग भी ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे पार्टियाँ चल रही हैं, सर हमारे लिए इतने सारे चीज़ें खाने पीने की भेज दिए हैं, भिजवा दिए हैं कि हम क्या ही बताएं, बहुत सारा चीज़ भिजवा दिए हैं। इधर मैडम लोग ले भी रहे हैं, ये देखिए सब भर भर के ले रहे हैं, और सब खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और मस्ती भी कर रहे हैं। मीटिंग कम, पार्टी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे भी, क्योंकि धूप भी कम हो चुका है, काफ़ी दूर भी जाना होता है हम लोग को, और बाकी लोग भी दूर दूर से आते हैं, इन लोग कोई 10 किलोमीटर कोई 20 किलोमीटर से ऐसे आते हैं, तो हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर से। नीता, एनर्जी आ जाएगा।